नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चाओं में है। नहीं, उन्होंने कुछ किया ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो चर्चाओं में है। पिछले कुछ वक्त से वो चर्चाओं में थे, लेकिन उनके एक करीबी हैं संजय सिंह, जिन्हें WFI की कमान मिल गई है। इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह चर्चाओं में है, और क्योंकि संजय सिंह बृजभूषण के करीबी हैं, इसलिए पहलवान भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो काफी आहत नजर आए। साक्षी मलिक ने तो ऐलान कर दिया कि अब वो कुश्ती में ही नहीं रहेंगी, वो उस अखाड़े में ही नहीं उतरेंगी, क्योंकि संजय सिंह को WFI की कमान मिल गई है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, दबदबा था और दबदबा रहेगा, तो क्या समझा जाए इस स्लोगन के पीछे कि आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या है? हम इस वक्त किस स्थिति में पहलवानों को देखें? बृजभूषण शरण सिंह के जो ताकत है उसको कैसे मापा जाए, कैसे आंका जाए, कैसे देखा जाए पूरा मामला? देखिए, इस पूरे वाक्य को केवल एक कुश्ती फेडरेशन के इलेक्शन के संदर्भ में मत देखिए। जो देश की राजनीति है और मौजूदा राजनीति में जो प्रभावी वर्ग है उसकी जीत के रूप में ही देखना इसे उचित होगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मुझे वो आवाज याद आती है जो कि आज कुछ साल पहले ओलंपिक्स का मेडल जीतने के बाद साक्षी मलिक ने जब फोन पर एक रिपोर्टर से बात किया था, उनके आवाज की वो खुशी और देश के लिए कुछ कर जाने की एक उनका एहसास जो था, वो एक नए खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी, और उसने अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त किया हो दुनिया में वो, और अपने जिस अंदाज से उन्होंने भारतीय तिरंगे को लपेटा और फिर जब पोडियम पर चढ़ी वो, और तो सारा देश कैसे गौरवान्वित हुआ। मैं उस क्षण को याद कर रहा हूँ और आज इस क्षण को याद कर रहा हूँ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर रोती हुई दौड़ती हुई भागी इस ऐलान के साथ के अब वो कुश्ती नहीं खेलेंगी। अपना शू उन्होंने किस तरह से उठाकर सामने रख दिया। सो शी हैज हंग हर बूट्स, यही कहा जा सकता है। तो ये त्रासदी है, और कोई भी व्यक्ति जो रेसलिंग या खेल प्रेमी है इन जनरल, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी खिलाड़ी की जो विदाई है वो इस तरह से हो। बृजभूषण शरण सिंह हमेशा ये कहते हैं कि ये जो खिलाड़ी हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल दे आर पास्ट देयर प्राइम, इनका स्वर्णिम दौर खत्म हो चुका है और अब ये कभी कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे, और अब इन्होंने इसीलिए हमारे खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा है क्योंकि अब ये फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने माइट बी पास्ट द प्राइम, ये बात मैं उनकी मानता हूँ, क्योंकि अभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी दी गई थी, कुछ चैंपियनशिप्स हुए थे, तो उसमें पूनिया कुछ नहीं कर पाए और साक्षी मलिक ने लड़ने से इनकार किया, पर ये खिलाड़ी के जीवन में होता है। सचिन तेंदुलकर के जीवन में आया, विश्व के सबसे महान बल्लेबाज, और मुझे याद है कि एक सेंचुरी एक साल बाद उन्होंने बनाया जो रिकॉर्ड बनना था, और बहुत पेशेंट तरीके से BCCI ने डील किया था। मुझे याद है 400 विकेट लेना था कपिल देव को, और बहुत इंतजार किया गया था क्योंकि उनके गेंदों में वो पैनापन नहीं रह गया था, और धीरे धीरे फिर बांग्लादेश के साथ मैच हुआ। मुझे नहीं पता है कि जानबूझकर बांग्लादेश के साथ कराया गया होगा या तेंदुलकर के मामले में या फिर जो भी हो, उसके पीछे मंशा ये होती है कि इस खिलाड़ी ने जो हासिल किया है तो ये एक ग्रेसफुल एग्जिट डिजर्व करता है, और हमारा प्रयास एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी ये होना चाहिए कि हम उसे ऐसा एक ऑनरेबल एग्जिट दें, विदाई दें, ताकि और ज्यादा लोग आकृष्ट हो इस खेल के प्रति। आज वहां पर हम हारे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो भी जीते हूं, देश और समाज कहां हारा मैं उसकी बात कर रहा हूं, वहां हम हारे, हम इस जगह पे भी हारे कि देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की जीत जो है
उससे ज्यादा बड़ी किसी की हार हो गई, हम वहां भी हारे। कोई हार गया, ये खिलाड़ी हार गए चुनाव में, चर्चा इस बात की ज्यादा है। संजय सिंह जीते हैं चुनाव, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है, और उन्हें ज्यादा वोट पड़े, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं, 40 वोट बनाम 7 वोट, तो एक ह्यूज विन कहा जा सकता है। फिर भी इस जीत को लेजिटिमेसी क्यों नहीं है? आखिरकार ऐसा क्या है कि उस जीत को असली सच्ची जीत क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि संजय सिंह जीतने के बाद फोकस में नहीं है, फोकस में तो ब्रजभूषण है। हाँ, वही मैंने शुरुआत में कहा, ब्रजभूषण चर्चाओं में है और चर्चा जीतने वाले संजय सिंह है। कई लोग तो उनका चेहरा ही आज देखे होंगे, पहली बार, सही बात, पहली दफा। तो कोई व्यक्ति जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ हो चुका है, उसका चेहरा लोग पहली बार देखे, और ब्रजभूषण शरण सिंह का ही चेहरा बार बार सामने आए। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को हिलाने के लिए, थोड़ा बदलने के लिए, वो 40 दिन तक वो पहलवान सड़कों पर बैठे थे जंतर मंतर में। और फिर क्या हुआ था, कैसे हटे थे, जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन, इस तरह से पुलिसिया एक्शन हुई थी, देश ने भर्त्सना की थी उसकी, वो भी हमने देखा था, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं आया। कई बार लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी भी एक्शन लेगी, और जितनी जानकारी है उसके अनुसार इतना कह सकता हूं कि सब लोग संतुष्ट नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में। वो चाहते थे कि जनता में ये संदेश न जाए कि पार्टी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह से डरती है और उनके खिलाफ नहीं एक्शन ले सकती है। नहीं, ये काफी एग्जांपल है, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को ही भूल जाती है, अनदेखा कर देती है। पर उनकी जो राजनीतिक रसूख थी उसका हवाला दिया गया ना, कहा गया कि ब्रजभूषण अकेले दम 6 से 7 लोकसभा सीटों को निर्धारित कर देंगे, तय कर देंगे, और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई या उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो है वो बहुत ही पॉलिटिकली कॉस्टली होगा, नहीं लिया जा सकता, और नहीं लिया गया। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के भीतर ही बहुत से लोग थे जो जान मान के चल रहे थे कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये नहीं होना चाहिए, और हमें सही दिखना बहुत जरूरी है ना, और हम डाउटफुल क्यों दिख रहे हैं, वी शुड बी अबव डाउट, हम किसी के साथ नहीं है। ये तो सच है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इतने सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर आधिपत्य जमाए बैठे हैं, ये भी सच है कि कोई बिटिया है जो आगे आई है जो कह रही है कि ऐसा हुआ है। ये भी सच है कि हमारे मेडल विनर्स हैं जो आज सड़क पर बैठे हैं। तो न सिर्फ वो विनर्स हारे, साक्षी मलिक ने जब ये कहा ना, अपना बूट दिखाया और कहा कि मैं छोड़ रही हूं उस चीज को, तो वहां पर न सिर्फ पहलवान हारे बल्कि सियासी पिच पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने एक सांसद से हार गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए, पिछले दिनों ये सारे जो पहलवान थे ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले थे, और उन्होंने यही कहा था कि चुनाव होने वाले हैं और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भले ही ब्रजभूषण नहीं लड़ पाए, क्योंकि वो तो बाध्यता होती है, आप लगातार नहीं रह सकते हैं, पर ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि कोई न्यूट्रल व्यक्ति जो है वो जीत करके आए। अब वो कैसे इंश्योर होता, खेल मंत्री क्या कर पाते इसमें, क्योंकि फेडरेशंस के अपने सिस्टम होते हैं, पता नहीं। और देखिए, आज जो नतीजे आए हैं वो तो दीवार पर लिखी हुई बात है कि संजय सिंह जो है वो बहुत दिनों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, 2.5 दशक पुराना उनका एक संबंध रहा है कुश्ती के साथ, वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस पार्टनर भी कहे जाते हैं, तो वो उनका होना और ब्रजभूषण शरण सिंह का होना बात बराबर है। आपको ये भी याद होगा कि इतने लोगों को अपॉइंट किया गया है विभिन्न राज्य फेडरेशंस में ब्रजभूषण शरण सिंह के लंबे कार्यकाल के दौरान, कि कोई भी वोट पड़ेगा तो कौन जीतेगा ये फोरगॉन कंक्लूजन है, पहले से ही पता है।
जब ऐलान पहले ही कर दिया गया और जीत के लिए इतना इतना आश्वस्त नजर आ रहे थे संजय सिंह भी, और एक जगह पर ब्रजभूषण सिंह ने भी इस बात को कहा कि कौन जीत रहा है पता ही है, तो सबको पता ही था क्या होने वाला है। कुछ आप कर नहीं सकते हैं इसमें, कुश्ती के प्रति श्रद्धा होना, कुश्ती के प्रति प्रेम होना, इस खेल के प्रति भावनात्मक लगाव होना किसी सांसद का या किसी नेता का, यह गलत नहीं है और ऐसा हो सकता है, होता है, पर उसको कंट्रोल करना और मैं ही कंट्रोल करूंगा कोई और नहीं करेगा, ये भी अजीब बात है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई थी कि हर फेडरेशन में जो 40 वोट थे वो रखे गए थे, बनाए गए थे, ताकि कल को अगर वोटिंग हो तो वोट अमुक दिशा में ही जाए। तो एक हारी हुई लड़ाई ये खिलाड़ी लड़ रहे थे। और देखिए, लोग पूछ सकते हैं आज हिमांशु की क्यों लड़े जब जानते थे, उनको तो पता ही होगा ना कि इस फेडरेशन में भी इनका आदमी, उस फेडरेशन में भी उनका आदमी, उस राज्य फेडरेशन में भी उनका आदमी, तो वोट तो उन्हीं आदमियों को देना है, तो कहां से जीतेंगे। पर इन्होंने एक तरह से एक लड़ाई को अंडरटेक किया कि आज नहीं शायद भविष्य में कभी फेडरेशंस जो खेल वाले हैं वो खिलाड़ियों के कंट्रोल में आएंगे। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और राजनीतिज्ञ हावी है खेलों पर, यह है, ये हकीकत है, इससे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता में इस तरह के उदाहरण जो है वो एक सवाल पैदा करते हैं, और उन सवालों के दरमियान जो है ये जीत भले ही आज संजय सिंह की हुई, लेकिन इस जीत मतलब हार के भी जीत जो है वो खिलाड़ी गए। अब आगे क्या करेंगे खिलाड़ी, क्योंकि साक्षी मलिक ने तो खैर ऐलान ही कर दिया। अब जो बचे हुए लोग थे जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे ब्रजभूषण के खिलाफ, बड़े मुखर थे, वो अब क्या करेंगे आगे, उनके पास कोई रास्ता नजर आता है क्या उनके लिए? देखिए, इन खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते थे, चाहे बड़े सम्मान के साथ ये कहना पड़ेगा, क्योंकि बजरंग पूनिया हो या साक्षी हो, इनेश फोगाट हो, इन्होंने अपना चरम देख लिया है। जिस स्तर पे ये लड़े हैं और जीते हैं वो दौर शायद अब नहीं आएगा इनकी जिंदगियों में, लेकिन इनका जगह लेने वाले बहुत हैं लाइन में और बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे पास हैं। रेसलिंग फेडरेशन उन खिलाड़ियों को सामने लाएगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं, और उन्हें मौका देगा, देता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसके विरोध में अगर आ जाएंगे तो फिर आपका करियर चौपट हो जाएगा, भले ही आप टैलेंटेड हैं। ये क्या नजीर नहीं है एक मामला कि जिस मुद्दे को लेकर ये लोग धरने पर बैठे थे कि शोषण हो रहा है, क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगा कि देखिए वो जो इतने टैलेंटेड जो जीत के आए, भारत देश का नाम रोशन किया, वो भी कुछ नहीं कर पाए शोषण के लिए, देखिए वो शख्स भी बाहर है, उसके मनमर्जी का इंसान भी फेडरेशन का अध्यक्ष बनकर बैठ गया है, तो अब जो उनके अंडर में लोग आएंगे या बच्चे आएंगे उनके साथ अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो उसके खिलाफ कभी आवाज उठाने के शक्ति उनके पास आ पाएगी, या फिर वो, क्योंकि ये इन चीजों ने कहीं ना कहीं हौसला एक तोड़ने की क्या कोशिश नहीं की है? देखिए, खिलाड़ी जो होता है हिमांशु, उसकी कोशिश सियासत से अपने आप को दूर रखने की होती है। वो जानता है कि जो लोग फेडरेशंस पे हावी होते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते हैं, तो वो यही कोशिश करता है कि प्रतिभा से सम्मान पाओ, और सम्मान अगर मिलेगा तो फिर फेडरेशन अपने आप सम्मान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि विनेश ने या बजरंग पूनिया ने ये शिकायत किया हो कि हमें फला जगह नहीं भेजा गया, क्योंकि उनमें वो क्षमता थी। तो खिलाड़ियों का, जो भी मैंने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की थी और खासतौर पर उस टाइम पे जिसमें ये धरना चल रहा था, उनका पहले भी और आज भी यही ध्यान रहेगा कि मैं अपने खेल को कैसे और निखारूं और कैसे बेहतर करूं, और ईश्वर करे कि वो लोग उसमें ही रहें, क्योंकि ये राजनीति जो फेडरेशन की है ये दूसरी राजनीति की तरह ही है, इसमें उन्हें नहीं आना है। हाँ, जो लोग इस राज्य फेडरेशन की राजनीति को सुधारना चाहते हैं वो यहाँ हारे नहीं, ये हार नहीं हुई, रोते हुए चले जाना
वो सोल्यूशन नहीं है। अब आप एक एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उस लड़ाई को लड़ रहे हो जो देश के लिए मेडल जीत चुका है, आपकी कही भी बातें मानी जाती है, लोग विश्वास करते हैं, तो लड़ाई यहां मत छोड़िए। एक संजय सिंह आए हैं, कल को कोई और आ सकते हैं, परसों को और भी कोई आ सकते हैं जो किसी के व्यक्ति होंगे और प्रॉक्सी में, लेकिन फिर एक दिन चौथी पांचवी छठी बार जाते जाते उस फेडरेशन पर वो कंट्रोल ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं रहेगा। लड़ाई को आधी में ना छोड़े, आपने जो लड़ाई शुरू की है उसको लड़ाई को अंजाम तक लेके जाए। खिलाड़ी के रूप में आपका करियर खत्म हुआ है, लेकिन योद्धा के रूप में थोड़ी हुआ है। और जो काम करने चले थे या तो शुरू में सोच लेना था, भाई उनके पास क्या दिक्कत थी, सरकारी नौकरियां हैं उनके पास, इतने सम्मानजनक मेडल जीत करके वो आए हुए हैं और देश में नाम है, कौन नहीं जानता बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। लेकिन इस लड़ाई के बाद इन्होंने एक रिस्क लिया, लेकिन इस लड़ाई के बाद जिस तरह से गिव अप करने की एक नौबत आ गई है, उससे क्या वो रिस्पेक्ट रह पाएगी? क्योंकि या तो अगर आप जीत जाते तो आप उसी रिस्पेक्ट के साथ समाज में खड़े हो पाते। अब क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए हो सकता है, आम लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जो आंसू हैं, इमोशंस हैं, उससे अटैच होकर लोग उनका उसी तरीके से सम्मान करें, लेकिन कोर्ट में अगर ये साबित हो गया कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से साफ सुथरी छवि के हैं और उन पर गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो कि अभी तक नजर भी आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा जिस तरह के उन पर आरोप थे अब तक तो जेल में होना चाहिए था उनको, लेकिन वो जेल में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि गलत साबित हो गए ये पहलवान। और गलत साबित होने के बाद क्या वो समाज में उस प्रतिष्ठा, उस सम्मान के साथ रह पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। अगर बीच में लड़ाई छोड़ देंगे तो जाहिर है कि वो सम्मान उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। नहीं, कोर्ट में तो लड़ाई चलेगी, कोर्ट फैसला तो कुछ आएगा। और कोर्ट में तो देखिए ऐसा है कि अगर चार्जशीट पुलिस को तय करना है, पुलिस अगर उस तरह का बनाती है कि जहां ऐसा हुआ था और जो अखबारों में बात आई थी उसमें तो बेदाग नहीं है, आपको याद होगा एक राष्ट्रीय अखबार में बिल्कुल आया है, तो वो लड़ाई तो अपनी जगह चलेगी। और आरोपित करने के लिए कोई सजा थोड़ी दे सकता है, क्योंकि अल्तुतोगत्वा पुलिस अपने अनुसंधान के बाद जो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट उसके ऊपर, हमने बयान बदलते हुए भी देखा है ना, वो नाबालिग जो बच्ची थी उसने किस तरह से बयान उसके बाद चेंज हो गया, और सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या होता है। पर आप देखिए, कुछ चीजें आप तय करते हैं और कुछ चीजें नेचर तय करता है, प्रकृति तय करती है। और प्रकृति आज ही मान लीजिए कि जाट समाज के सम्मान अपमान को लेकर एक बहस चल रही थी देश में, और आज ही ये घटना भी घटी कि एक जाट समाज की बिटिया रोती हुई, जो कि मेडल विनर भी है, भाग रही है, और कैसी चीजें जो है आपस में मिल जाती है, बैलेंस हो गई। और मैंने पाया कि इसको कोई नहीं तय किया था कि 21 तारीख को ही चुनाव हो, 21 तारीख को ही नतीजे आए। आप जानते हैं कि रेसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव टलते रहे और आज टलने के बाद हुए, कहां पता था कि संसद में भी कुछ ऐसा मुद्दा आएगा और दोनों एक ही दिन हो जाएगा। और समाज को संभलने का मौका जो है वो प्रकृति देता है, और इसीलिए ये मानकर चलिए कि चीजें जो है वो इतना अंधेरा नहीं है आगे। ये आंसू, ये लड़ाई, ये सब चीजें काम आएंगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह अगले फिर एक टर्म कंट्रोल में रहेंगे मान कर चलिए, क्योंकि संजय सिंह उन्हीं के आदमी नहीं, उसके ये तो कूलिंग पीरियड हो गया ना। हम लोगों ने इस पे कई बार बात की है कि ये तो इस बार तो उनको वैसे भी नहीं लड़ना था, ये तो कूलिंग पीरियड था, किसी और को बनना था। अगली बार क्या वो फिर से रिवाइव करके फिर से बनते हैं, क्या होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये जाया नहीं जाएगा जो 40 दिन बैठा गया था, ये वो ब्रजभूषण नहीं है जो थप्पड़ मार देते थे मंच पर पहलवान को, है ना, जो ऐसे ही कुछ भी कहीं किसी को पकड़ लिया, कहीं चले गए, वो हनक तो खत्म कर दी ना। इन पहलवानों की हार नहीं हुई है। आप देखिए आज की तारीख में वो ब्रजभूषण भले ही अपने पद पर कायम है, भले ही उनके लोग जीत रहे हैं, पर वो स्पॉटलाइट से बाहर है। आज कितने दिनों बाद उनके ऊपर ध्यान लोगों का गया है, नुकसान तो होता है। और मुझे पक्का यकीन है कि इस बार देखिए चलाएंगे तो वही सब लोग कहते हैं, लेकिन इस बार जो है वो संभले हुए ब्रजभूषण नजर आएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था जो है फिर से प्रकृति ने तय कर दी कि जिस बेलौस और बेधड़क तरीके से
वो इस फेडरेशन पर हावी थे, जीतने के बाद भी अब उस तरह से हावी कभी नहीं हो पाएंगे, और ये जीत है उन खिलाड़ियों की जिन्होंने 40 दिन सड़क पर तपस्या की थी। चलिए देखते हैं कि अब ये जीत किस तरह से आगे अपना रंग दिखाती है, क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं और उससे पहले ये फैसला भी सामने आ गया है, तो अब कहीं ना कहीं चीजें बड़ी मैशअप हो रही हैं। इस बीच क्या रहने वाला है आगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, संजय सिंह को कमान मिल गई है? संजय सिंह क्योंकि ब्रजभूषण के करीबी हैं, इसलिए पहलवान खासा आहत है। साक्षी मलिक ने तो सीधे ऐलान कर दिया कि अब वो कुश्ती के उस मैदान में नहीं जाएंगी, उस अखाड़े में नहीं जाएंगी। अब क्या होने वाला है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।